रहमान रहीम, यकीन आप खैरियत से होंगे। वो लोग या वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया, वो लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें। अभी हम ये करने हैं 5.2 रीडिंग सेक्शन 5.2 यूनिट 5 का, जेंडर इनइक्वालिटी इज डेट्रीमेंटल टू सोसाइटी, सनफी अदम मसावात माशरे के लिए नुकसानदेह है। ठीक है, एक सोसाइटी जो होती है वो उस वक्त उसमें तरक्की आती है जब इसके जो मेंबर्स होते हैं, चाहे वो मेल हों या फीमेल हों, जब वो इकट्ठे काम करते हैं और कौमी मकसद को हासिल करते हैं तो फिर सोसाइटी तरक्की करती है। जो बराबर के हकूक़ हैं, मसावी हकूक़ हैं, वो औरतों को भी मिलने चाहिए। ठीक है, वरना फिर वो इस काबिल नहीं होंगे कि वो कौम की तामीर में हिस्सा डाल सके अपना। अब स्टडी क्वेश्चन आते हैं रिकॉलिंग में। नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। मेल और फीमेल पॉपुलेशन की रेशियो क्या है पूरी दुनिया में। वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो 5% जो है वो 5% से भी ज्यादा औरतों पे से बनती है जी। ठीक है, इसका मतलब ये कि फीमेल पॉपुलेशन जो है वो पूरी दुनिया का जो मेजर पोर्शन है पॉपुलेशन का वो बनाती है। ठीक है, अगर इसका कंपैरिजन मेल पॉपुलेशन से किया जाए तो फीमेल पॉपुलेशन ज्यादा है जी। ठीक है, नंबर टू पे, डू वुमेन इन द पुअर एंड डेवलपिंग कंट्रीज एंजॉय इक्वल राइट्स। क्या औरतें गरीब और तरक्की पजीर ममालिक में बराबर के हकूक हासिल करती हैं या उनको बराबर के हकूक हासिल है। इसका आंसर बनता है कि नो, जो गरीब और तरक्की पजीर ममालिक हैं उनमें औरतों को बराबर के हकूक हासिल नहीं है, उनको उनके जो जायज़ हकूक हैं वो नहीं मिलते और वो बड़ी काबिल रहम और बड़ी मायूसकुन ज़िंदगी गुजारती हैं। वो अपने आप को मर्दों से कमतर समझती हैं और वो इस काबिल नहीं है कि वो मुनासिब किस्म की तालीम हासिल करें, ताकि इसी जेंडर इनइक्वालिटी की वजह से, सनफी अदम आप ये कह दें कि मसावात की वजह से कि मेल और फीमेल बराबर नहीं है ऐसे कंट्रीज में, तो वहाँ उनको बराबर के हकूक नहीं मिलते। क्वेश्चन नंबर थ्री बनता है, व्हाई आर वेमेन डिप्राइव्ड ऑफ देयर ड्यू राइट्स इन आवर सोसाइटी। औरतों को उनके जायज़ हकूक से क्यों महरूम रखा जाता है हमारे माशरे में। इसका आंसर बनता है, हमारी सोसाइटी में वुमेन जो है वो डिपेंडेंट है मेल पर तकरीबन हर मामले में, चुनाचे उनको उनके जायज़ हकूक से हमारे माशरे में महरूम रखा जाता है। और ज़्यादातर जो लोग हैं वो गैर तालीम याफ्ता हैं, जो समझते हैं कि औरतें बराबर के हकूक जो है डिजर्व नहीं करती क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी है मेल पर। ठीक है, और वो आप ये कह दें कि मर्दों के आगे महकूम है। नंबर फोर पे आता है, हु कंसिडर वुमेन एज फ्रेजाइल ह्यूमन बींग्स। कौन समझता है कि औरतें जो है वो बतौर एक ये समझे कि सिंफ नाजुक है। ठीक है, हमारी सोसाइटी जो है मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, इसमें मेल का डोमिनेशन है, गलबा है मेल का। ठीक है, और जो मर्द हजरात हैं वो समझते हैं कि औरतें सिंफ नाजुक हैं और वो समझते हैं कि औरतें जिस्मानी तौर पर और आप ये कह दें कि जज्बाती तौर पर कमज़ोर है मर्दों के मुकाबले में, और उनके जायज़ हकूक उनको नहीं दिए जाते। वो अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेजते कि वो तालीम हासिल कर सकें और उनको उनके साथ बुरा सलूक किया जाता है विरासत के मामले में भी। नंबर फाइव है, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम। इस्लाम में औरतों का क्या मकाम है जी, ये हमने देखना है। औरतों का इस्लाम में मकाम जो है वो बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम है। एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन। I was to shut the door so that external noises may not come and disturb us. Achha ji, they are inheritance, they are maltreated in case of inheritance ke mamle mein unke saath bura sulook kiya jata hai. Number 5 pe aurat ka Islam mein kya maqam hai? Islam mein intihai qabil tareef maqam hai aurat ka. Islam jo hai wo auraton ke huqooq par bahut zyada jo hai zor deta hai, और इसने उनका जो इनहेरिटेंस है विरासत में एक मुनासिब हिस्सा रखा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने एक सरमन में, अपने आप ये कहते हैं कि खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरतों के बारे में कि आपके अपनी बीवियों पर हकूक हैं और तुम्हारी बीवियों के तुम पर हकूक हैं। ठीक है,
और उनके साथ मेहरबानी और शफकत से पेश आओ, मोहब्बत से पेश आओ। एक इस्लामी माशरे में औरतों को उनका जो औरतों को माँ का मकाम दिया गया है, बहन का मकाम दिया, औरत का बहन का माँ का और बेटी का मकाम दिया गया और बीवी का मकाम दिया गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 आता है, डिस्क्राइब द हर्डल्स एंड हार्डशिप्स फेस्ड बाय वुमेन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कौन कौन सी रुकावटें हैं, कौन कौन सी मुश्किलात हैं जो औरतों को फेस करना पड़ती है, जिनका औरतों को सामना होता है। पाकिस्तान में औरतों को बहुत सारी मुश्किलात और बहुत सारी रुकावटों हर्डल रुकावटें होती, बहुत सारी रुकावटों और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जो मर्द हजरात हैं पाकिस्तान में, वो नहीं चाहते कि उनकी जो औरतें हैं वो मुनासिब और बहुत आला तालीम हासिल करें। उनके उनको जो हेल्थ फैसिलिटीज़ की भी कमी होती है, सेहत के मसाइल का सामना होता है और उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं होती। आप ये कह दें कि उनको काम करने के मौके कम मैसर आते हैं मर्दों के मुकाबले में पाकिस्तान में, और उनका जो कोटा है जॉब्स में वो मर्दों से बहुत कम है, और माशी तौर पर वो कमज़ोर भी हैं और अपने जो फैमिली के मर्द हजरात हैं उन पर डिपेंडेंट भी हैं, इनसार भी करती हैं और उनको इग्नोर भी किया जाता है इनहेरिटेंस के मामले में, विरासत के मामले में, और जिनसी तौर पर उनको हरासा भी किया जाता है और साइकोलॉजी तौर पर भी दफातर में हरासा किया जाता है और दूसरी जो वर्क प्लेसेस है वहाँ पर उनको हरासा किया जाता है, डराया जाता है। नंबर 7 पे, व्हाई डू पेरेंट्स इन मोस्ट ऑफ द रूरल एरियाज नॉट सेंड देयर डॉटर्स टू स्कूल्स। ज्यादातर देहाती इलाकों में वालदैन क्यों अपनी बेटियों को स्कूलों में नहीं भेजते? पेरेंट्स जो है तो होते हैं ज्यादातर देहाती इलाकों में जो अपनी बेटियों को स्कूलों में नहीं भेजते, क्योंकि वो जाहिल होते हैं और पुराने ख्याल के कंजर्वेटिव होते हैं, पुराने ख्याल के मालिक होते हैं। बहुत सारे एरियाज में सिर्फ प्राइमरी स्कूल्स हैं गर्ल्स के लिए, चुनाचे जो पेरेंट्स हैं वो नहीं चाहते कि उनकी बेटियां जो है वो मिडिल या हाई एजुकेशन जो है वो हासिल करने के लिए सिटी में जाएं, शहरों में जाएं या कहीं दूर अपने घरों से जाएं। क्वेश्चन नंबर 8 बनता है, व्हाट हैज बीन सेड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन। औरतों के लिए तालीम की अहमियत के हवाले से क्या कहा गया है? एजुकेशन जो है वो औरतों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये कहा गया कि अगर आप एक मर्द को एजुकेट करते हो तो आप सिर्फ एक शख्स को एजुकेट करते हो, लेकिन अगर आप एक औरत को एजुकेट करते हो तो आप पूरी फैमिली को एजुकेट कर रहे हो। चुनाचे जो इम्पोर्टेंस है एजुकेशन की, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन ब्रॉट अप फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंस है एजुकेशन की वो जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी कंसल्ट द सेंटेंस, इट्स अ बिट डाउटफुल सेंटेंस। अच्छा जी, एन एजुकेटेड मदर कैन प्ले अ बेटर रोल इन द ब्रॉट अप ऑफ हर चिल्ड्रन, ठीक है जी, ये यूं होना चाहिए। Hold on, ये इन ब्रॉट अप फॉर चिल्ड्रन। अच्छा, एक पढ़ी लिखी जो माँ है वो अपने बच्चों की आप ये कह दें कि परवरिश में बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 9 बनता है जी, व्हाट आर द कॉज ऑफ हाई मोर्टेलिटी रेट ऑफ वुमेन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के दौरान जो बहुत ज्यादा औरतों के मरने की शरह है उसकी वजूहात क्या है? कहते हैं कि बहुत सारी वजूहात हैं जो औरतों के हाई मोर्टेलिटी रेट में चाइल्ड बर्थ के दौरान पेश आती हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि हॉस्पिटल्स अवेलेबल नहीं हैं जी, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं कुछ जगहों पर, और क्वालिफाइड हेल्थ केयर स्टाफ का ना होना, ठीक है, इसी तरह मिडवाइफ्स की कमी होना या लेडी हेल्थ मिनिस्टर्स की कमी होना एक और फैक्टर है जो जिम्मेदार है औरतों के चाइल्ड बर्थ के दौरान हाई मॉर्टेलिटी रेट का, ठीक है। और इससे हटकर जो मेल मेंबर्स हैं फैमिली के वो नहीं चाहते कि उनकी औरतों को जो है वो मेल डॉक्टर्स चेक करें,
जो हाई मोर्टेलिटी रेट की एक और बड़ी वजह है, औरतों की शरह मात की एक और बड़ी वजह है, या बड़ी शरह मात की एक और बहुत बड़ी वजह है। क्वेश्चन नंबर 10 बनता है, व्हाई डू द मेल मेंबर्स ऑफ अ फैमिली नॉट वांट टू टेक देयर वुमेन टू द मेल डॉक्टर्स। जो मेल मेंबर्स है फैमिली के, वो क्यों नहीं चाहते कि उनकी जो औरतें हैं वो मेल डॉक्टर्स के पास जाएं। जो मेल मेंबर्स हैं फैमिली के, वो नहीं चाहते कि उनकी वो अपनी औरतों को मेल डॉक्टर को चेक कराएं, क्योंकि वो पर्दा वगैरह उसको ऑब्जर्व कराते हैं जी, पर्दे का एहतमाम करते हैं, और वो नहीं चाहते कि वो उनकी औरतों को मेल डॉक्टर्स देखें। और ये मुल्क में आप ये कह दें कि तालीम की कमी की वजह से भी होता है, कि वो ऐसा समझते हैं कि अपनी औरतों को अगर वो मेल डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो ऐसा गुनाह हो जाएगा जी, और फिर इस तरह वो फिर मतलब ये कि वही पुराने ख्यालात के साथ जुड़े रहते हैं। हालांकि मैं अगर थोड़ा सा हट के बात करूं तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। देखिए, जख्मियों की मरहम पट्टी जो है वो आप जंगों में देख लें, मुसलमानों की जो गजवे थे, जंगें थी, उसमें देख लें कि जख्मियों की मरहम पट्टी जो है औरतें ही किया करती थी, ठीक है। 11 नंबर पे देख लें, कैन एलिंग एंड वीक वीमेन कंट्रीब्यूट मच टू द प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ कंट्री। क्या बीमार और कमजोर जो औरतें होती हैं, बहुत ज्यादा उनका कंट्रीब्यूशन है, बहुत ज्यादा हिस्सा है मुल्क की तरक्की और मुल्क की खुशहाली में, ठीक है। नहीं जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप ये कह दें कि जो कमजोर और बीमार और कमजोर औरतें हैं वो कोई ज्यादा मुल्क की तरक्की और खुशहाली में हिस्सा या किरदार अपना अदा नहीं करती, क्योंकि इस किस्म की जो औरतें होती हैं उनको मदद की जरूरत होती है, उनको निगहदाश्त की जरूरत होती है, और फिर वो अपने लोगों पर डिपेंडेंट होती हैं, इनिसार कर रही होती हैं अपनी डेली लाइफ के हवाले से और जरूरतों के हवाले से। और जो द वर्क वीकनेस शोज द वीकनेस ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन इन प्रोग्रेस, ठीक है जी। जस्ट होल्ड ऑन, द वर्ड वीकनेस है जी, वर्क नहीं है, जरा मिसटाइप हो जाता है तो फिर वो डिस्टर्बेंस हो जाती है। जो लफ्ज कमजोरी है, ये जाहिर करता है कि उनकी जो कंट्रीब्यूशन है प्रोग्रेस में, उसमें भी कमजोरी है। और जो बीमार औरतें होती हैं वो भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती, हिस्सा नहीं डाल सकती, क्योंकि उनको भी हेल्थ केयर की जरूरत होती है और सपोर्ट की जरूरत होती है। अब इंटरप्रेटिंग में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है, व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट ऑन सोसाइटी व्हेन वुमेन आर मार्केटेड। माशरे पर बुरे असरात क्या हैं जब औरतों के साथ बुरा सलूक किया जाता है। मर्द और औरतें जो हैं वो जिंदगी की जो गाड़ी है उसके दो पहिए समझे जाते हैं। सोसाइटी में तवाज़ुन होगा अगर हारमनी है, हमांगी है उन दोनों के दरमियान, और अगर कोई हमांगी नहीं है उन दोनों के दरमियान और अमन नहीं है और बैलेंस ऑफ सोसाइटी जो है वो बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाएगा। और औरतों के साथ बुरा सलूक सोसाइटी में जो है वो किसी भी तरह से आप ये कह दें कि वेयर द टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोग्रेस प्रॉस्पेरिटी सोसाइटी विल बी अपॉन मेन, ठीक है, किसी भी तरह से अच्छा नहीं जी, ठीक है। और टोटली जो प्रोग्रेस की या प्रोस्पेरिटी की, जो सोसाइटी की प्रोस्पेरिटी है या खुशहाली है या उसकी तरक्की है, वो मर्दों पर आ गिरेगी, ठीक है। तो अगर औरतों के साथ बुरा सलूक किया जाएगा तो औरतें बहुत बड़ा किरदार, औरतों को बड़ा बहुत बड़ा किरदार सोसाइटी की तामीर और तरक्की में अदा करना है, और ये उनके लिए रुकावट होगी उनकी बेहतरी के लिए, किसी भी सोसाइटी की बेहतरी के लिए ये किस्म की रुकावट होगी कि अगर औरतों के जो किरदार है उसको इग्नोर किया जाए, रद्द कर दिया जाए, ठीक है, उस पर तवज्जो ना दीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन बनता है, डू वुमेन डिजर्व टू बी गिवन ड्यू शेयर इन इनहेरिटेंस। क्या औरतें डिजर्व करती हैं कि उनको आप ये कह दें कि विरासत में उनका जायज हिस्सा देना चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, खास तौर पर औरतें डिजर्व करती हैं कि उनको मुनासिब हिस्सा विरासत में दिया जाए, क्योंकि इस्लाम के मुताबिक उनके दो हिस्से हैं, एक बाप की तरफ से प्रॉपर्टी में उनको हिस्सा मिलता है और दूसरा उनके हस्बैंड की तरफ से उनको प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है, तो उनका भी एक किस्म का पूरा हिस्सा बन जाता है, वो आप ये ना समझिए कि उनको आधा हिस्सा मिलता है। इस्लाम जो है वो
औरतों के हक पर या हिस्से पर बहुत ज्यादा जोर देता है इनहेरिटेंस के मामले में, आप विरासत के मामले में, और इसने कानून बनाया और आप एक असूल बना दिए कि उनको उनका हिस्सा दिया जाए। 14 नंबर है, देर आर कुछ रिलीजियस, देर आर है जी कुछ मजहबी और कुछ आप ये समझिए कि कौमी किस्म के कवानीन हैं औरतों के हकों के हवाले से, और इन कवानीन पर अमल दरामद कैसे किया जा सकता है। औरतें माशरे का हिस्सा हैं और सोसाइटी उनके बगैर इनकम्प्लीट है। नेशनल और रिलीजियस जो लॉज हैं वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं औरतों के हकों पर, ठीक है, और जितने भी नेशनल लॉज हैं औरतों को उनके जितने भी हकूक हैं जॉब्स के हवाले से, पॉलिटिक्स के हवाले से, और जिंदगी के दूसरे जो शोब हैं उनके हवाले से उनका हकूक देने की बात करते हैं। मजहबी कवानीन जो है वो औरतों को एक आप ये समझें कि औरत को उसका औरतों को माँ का, बहन का, बेटी का और बीवी का दर्जा देते हैं, मकाम देते हैं, और इनहेरिटेंस में भी, विरासत में भी उसको हिस्सा देते हैं, ठीक है जी। इसके साथ ही इसको खत्म करते हैं और फिर आगे देखेंगे ग्रामर से।